तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 12वीं का अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको कक्षा 12वीं का ये अंग्रेजी विषय का पूरा पेपर और इसका सॉल्यूशन समझ में आ सके। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। टोटली आपके पेपर में 15 क्वेश्चन होंगे और टोटली आपका ये 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। तो देखिएगा ये आपके पेपर का सेक्शन ए है, आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में आप सब लोग इसको देख लीजिएगा, यहाँ से पूरा का पूरा पैसेज है जिसको कि आपको हल करना है और इस पैसेज को हल करने का आपको दिया जाएगा 10 अंक। अब चलो एक एक क्वेश्चन को और उनके आंसर को समझ लेते हैं। तो देखिएगा पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, दिस डिश ड्यू टू अ वाइड वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स। तो देखिएगा इसका पहले नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यह आ जाएगा, आप सब लोग देख ले, पहले का राइट आंसर डी होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। उसके बाद में देखिएगा दूसरे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इन द पैसेज मैग्नीशियम इज। तो देखिएगा यहाँ से अगर देखा जाए सेकंड नंबर के क्वेश्चन में, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ये डी नंबर का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिशन इन फ्लोर। देखिएगा दूसरे का राइट आंसर यह आ जाएगा। उसके बाद में देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, पिकिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल बिफोर दे मेचर। देखिएगा थर्ड का राइट आंसर ये होगा, आप सब लोग इसको देख लें। तो देखिएगा थर्ड का राइट आंसर ये आप लोग यहाँ से लिख लें। उसके बाद में देखिएगा फोर्थ को देखते हैं, शिपिंग फूड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस अलाउ फोर। तो देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया है, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका डी नंबर का आ जाएगा, ये वाला यहाँ से आप लोग देख लें। अब उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं, द रेपिनमेंट प्रोसेस ऑफ आवर फ्लोर इज क्रिएट वाइट ब्रेड रिमूव्स मोर देन। तो देखिएगा इसका 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का ये आ जाएगा, आप सब लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा समझ लें। उसके बाद में देखिएगा छठे नंबर के क्वेश्चन को देखें, तो छठे का राइट आंसर आपका ए आ जाएगा, तो आप सब लोग इसको भी देख लें। और छठे के बाद में देखिएगा सातवें नंबर के क्वेश्चन को अगर हम देखें, तो देखिएगा सातवें का राइट आंसर आपका आ जाएगा ए नंबर का, इज गुड। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। उसके बाद में आठवें नंबर के क्वेश्चन को देखें, तो देखिएगा आठवें का राइट आंसर आ जाएगा कोल्ड स्टोरेज एंड अदर प्रिजर्वेटिव मेथड, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 10 को देखें, तो देखिएगा 10 का राइट नौ का राइट आंसर आपका आ जाएगा, अबाउट 8 ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन बेक इन टू द ब्रेड। तो इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लें। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 10 को देख लें, बाय सेइंग फूड आर मेड अवेलेबल एट द सेक्रीफाइस ऑफ द अदर एक्सप्रोज। देखिएगा इसका राइट आंसर आपका डी नंबर का आ जाएगा, यहाँ से आप सब लोग देख लीजिएगा और इसको पूरा का पूरा समझ भी लें। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 2 ये लिखा है, जिसमें कि आपसे नोट मेकिंग पूछी जाएगी। अब देखिएगा नोट मेकिंग आपको कैसे पूरी करनी है, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। तो देखिएगा नोट मेकिंग आपके पेपर में इस प्रकार से परीक्षा में पूछी जाएगी, आप सब लोग पढ़ लें। यह प्रश्न नंबर 3 लिखा है, यह प्रश्न नंबर 4 लिखा है, 4 के बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, यह प्रश्न नंबर 5 आपको दिया गया है और 5 के बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 6 ये लिखा है, आप सब लोग इसको भी देख लें। यह प्रश्न नंबर 6 पूरा का पूरा, अब देखिएगा 6 के उत्तर हम देखें अगर, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा है, यू लेंड मी ए $500। तो देखिएगा इसमें आपका आ जाएगा माई, यहाँ पर आपको माई लिख देना है। उसके बाद में सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपको लिख देना बोथ, यहाँ पर आपका बोथ आ जाएगा। और उसके बाद में देखिएगा थर्ड नंबर के क्वेश्चन में आपका आ जाएगा हिड, यहाँ पर आपको हिड लिख देना है। उसके बाद में देखिएगा फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में आपको लिख देना लेस्ट, इसमें आपका लेस्ट आ जाएगा। और फाइव नंबर के क्वेश्चन में अगर देखें, तो देखिएगा यहाँ पर आपको फ्रॉम लिख देना है। सिक्स नंबर के क्वेश्चन को देखिए अगर, तो देखिएगा इसमें आपका आ जाएगा वैन। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 7 ये पूछा गया है, जिसमें कि डू एट डायरेक्टेड आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग इनको भी देख ले और अच्छे से समझ लीजिएगा। 7 के बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 8 ये लिखा है,
जिसमें कि इस प्रकार का एक एस्ट्रिक्ट आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप सब लोग इस एस्ट्रिक्ट को भी अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर ले पूरा का पूरा, ये आपके पेपर में परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। तो देखिएगा इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, हू डज द नरेटर रिफर टू एज ए पुअर मैन। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पुअर मैन इसमें किसको कहा गया है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आएगा एम हेमल। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर का, ही फील सॉरी दैट टीचर एज इट वाज हिज लास्ट लेसन। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मेनी ईयर्स द टीचर गिव हिज सर्विस इन द स्कूल। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा 40 ईयर्स। उसके बाद में देखिएगा चौथे नंबर के क्वेश्चन में आपका आ जाएगा, हु सेट ऑन द बैक बेंचर्स ऑन द लास्ट लेसन। तो देखिएगा इसका राइट आंसर होगा द विलेज पीपल। उसके बाद में प्रश्न नंबर पाँच को पढ़ते हैं, तो पाँच का राइट आंसर आ जाएगा अल्फोंस डोगेट, यहाँ से आप सब लोग देख लें। और उसके बाद में देखिएगा एक पोएम आपकी प्रश्न नंबर नौ में पूछी जाएगी, तो आप सब लोग इस पोएम को भी पढ़ लें और इसके आंसर को भी देख लें। इसी प्रकार के क्वेश्चन जिस प्रकार के मैं आपको बता रहा हूँ आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जा रहे हैं, तो आप सब लोग इनको अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लें। अब देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द लिटरली डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द लाइन हर फेस एज्ड लाइक दैट ऑफ द कॉप्स। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा, यहाँ से आपको सिमिल लिख देना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, फ्रॉम विच पोएम हैज़ द अबव टेक्स्ट टेकन बाय, ये कहाँ से लिया गया है। तो देखिएगा ये लिया गया माई मदर एट 66, तो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर तीन को पढ़ें, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स डेड बॉडी। देखिएगा इसका राइट आंसर आज आपका आ जाएगा कॉप्स। उसके बाद में ये आपका बी वाला भाग है, यू विल हैव टेकन द ऑब्जर्वस स्टेप। तो आप सब लोग इसको पढ़ लें पूरा का पूरा। अब चलो इनके आंसर देखते हैं, तो देखिएगा इसमें से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा, व्हाई डिड द नरेटर गो टू द साइकेस्ट्रिस्ट। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ए नंबर का, ये वाला। सेकंड नंबर के क्वेश्चन को देखें, तो देखिएगा सेकंड का राइट आंसर आपका बी आ जाएगा, ये देख ले आप सब लोग। और उसके बाद में देखिएगा थर्ड नंबर के क्वेश्चन को देखें, तो देखिएगा थर्ड का राइट आंसर आपका आ जाएगा ए, थर्ड का राइट आंसर भी आपका क्या होगा, ए होगा। उसके बाद में देखिएगा फोर्थ नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, आप सब लोग देख लें। प्रश्न नंबर 10 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनको भी आप लोग देख लीजिएगा, और 10 के बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 11 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनको भी आप लोग देख लें और अच्छे प्रकार से इनको समझ भी लें। अब 11 के बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 12 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रश्न नंबर 13 में क्वेश्चन होंगे, और प्रश्न नंबर 14-15 में ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ तक के मैंने आपको बता दिए हैं और आपको समझा भी दिए हैं। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।